हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने मार्केट आवर्स में अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट जो है वो नॉर्मली मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े डाउन रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खराब रहे, बट मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बिलो रहे। इसलिए हमने रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में थोड़ा करेक्शन दिखा फ्रॉम अपर लेवल। स्टॉक ने आज 7644 का हाई लगाया, उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन हमने देखा। जो क्लोजिंग था वो 7399.30 था, यानी ऑलमोस्ट 7400 का लेवल। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के 52 वीक्स हाई को देखें वो 8073। अपने 52 वीक्स हाई से स्टॉक अभी भी बहुत नीचे है एंड जो रिजल्ट है उतने अच्छे नहीं है। कल जब मार्केट ओपन होगा एंड जो ब्रोकरेज के टारगेट आएंगे वो मिले जुले से आ सकते हैं। कुछ ब्रोकरेज का टारगेट शायद प्रेजेंट प्राइस पे ही आए एंड कुछ पर्टिकुलर ब्रोकरेज शायद थोड़े ऊपर के टारगेट दे, नियर अबाउट 8000-8500। एंड अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की हम मार्केट कैप की बात करें, 213,588 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक्स लो 4315 एंड 52 वीक्स हाई 8073। स्टॉक अपने 52 वीक्स लो से बहुत ऊपर है बट रिजल्ट जो है उतने अच्छे नहीं है। आने वाले टाइम में हम रिजल्ट को भी डिक्लेयर करेंगे, बट उससे पहले हम जान लेते हैं स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में। शॉर्ट टर्म में स्टॉक का क्या हाल है? शॉर्ट टर्म में अगर आपको टेक्निकली जानना है तो आपको RSI एंड MFI इंडेक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखना होगा। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका स्कोर है 43.8 एंड अकॉर्डिंग टू MFI यानी मनी फ्लो इंडेक्स इसका स्कोर है 43.9। शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवरबॉट नहीं है, 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे स्टॉक हो जाता है ओवरसोल्ड। सो ये अपने ओवरसोल्ड जोन के करीब है बट नॉट वेरी क्लोज टू द ओवरबॉट जोन, यानी स्टॉक में अभी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में हमने बहुत अच्छा स्पाइक तो नहीं देखा क्योंकि लास्ट वन मंथ का अगर रिटर्न देखे वो -6% है, यानी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट स्टॉक गिरा है अपने लास्ट वन मंथ के हाई से एंड 3 मंथ का रिटर्न भी 4% है। इसीलिए स्टॉक का MFI एंड RSI का जो स्कोर है वो 43.8 एंड 43.9 है, यानी ये अपने ओवर सोल्ड जोन के करीब है, नॉट नियर टू द ओवरबॉट जोन। यानी आने वाले टाइम में अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तब भी RSI एंड MFI में स्टॉक ओवरबॉट तो नहीं होने वाला है। यानी अगर ब्रोकरेज का टारगेट अच्छा आता है, कंपनी की तरफ से कोई डिक्लेरेशन आता है, देन ये स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा सकता है। हम जानते हैं सीमेंट का डिमांड बहुत अच्छा है एंड कुछ कुछ कंपनीज ने सीमेंट के दाम को भी बढ़ाया है। आने वाले टाइम में वी होप कंपनी का रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही हो एंड अगर इस कंपनी के हम 30 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें तो स्टॉक अपने 200 डे एंड 100 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के तो ऊपर है बट 20 डे, 50 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे। जो 30 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है वो 7624 एंड 20 डे का एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 7466। स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट 7400 के आसपास है। 50 डे का एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज भी 7481 है एंड 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज 7584। सो एट दैट मोमेंट 7270-7280 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ये है अल्ट्राटेक सीमेंट का 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड 100 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के रेजिस्टेंस को देखें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 7455, 7515 एंड 7573 का है। एज आई सेड, स्टॉक का सपोर्ट जो है वो है 7270, यानी ये बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल है। आप 7270, 7280 को एज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को ट्रेल कर सकते हो, बट अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो देन 7337 इज योर स्टॉप लॉस, क्योंकि आज जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है वो है 7399। सो अकॉर्डिंग टू दिस एस्पेक्ट 1% नीचे 7337 इज अ स्टॉप लॉस फॉर एग्रेसिव ट्रेडर एंड फॉर अदर ट्रेडर 7270-7280 इज द स्टॉप लॉस। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस 7270 से भी नीचे गिरता है सो देन ये 7000 की तरफ जाता है, देन 7000 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम देखें, सो अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर पीयर्स के साथ इसको कंपेयर करें फंडामेंटली, सो इसका वैल्यूएशन जो निकलता है वो है 32.46। श्री सीमेंट द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी जिसका वैल्यूएशन है 39 का, बट अल्ट्राटेक का मार्केट कैप 200,000 करोड़ के ऊपर है एंड श्री सीमेंट का 100,000 करोड़। अंबुजा सीमेंट का 81,000 एंड SEC का 43,376, बट वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता है SEC जिसका P20.70 है। टुमारो SEC अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाला है, वी होप इसके रिजल्ट अच्छे खासे ही
रहने वाले हैं। अगर ऐसा होता है सो ये स्टॉक 2500 की तरफ जाएगा एंड रिजल्ट अगर खराब होता है तो बहुत ज्यादा करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आरओसी के मामले में सभी कंपनीज का परफॉर्मेंस मोर ऑर लेस सेम है 15 से लेकर 19 के बीच। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट को देखें सो सितंबर का जो सेल्स है वो 12,017 करोड़ है जो कि मार्च से ज्यादा है, बट एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं। 9,302 करोड़ का एक्सपेंसेस है जो कि लास्ट क्वार्टर में 8,522 था, यानी ऑलमोस्ट 800 करोड़ का एक्सपेंस बढ़ा है, जिस कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2715 हुआ है जो कि लास्ट क्वार्टर में 3307 करोड़, यानी 800 करोड़ एक्सपेंसेस बढ़ने का इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आया है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कंपनी का 1947 करोड़ है जो कि लास्ट क्वार्टर में 2527 करोड़ था। लास्ट क्वार्टर में अदर इनकम का फिगर भी ज्यादा था 205 करोड़ जो कि इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर 140 करोड़ रहा। एंड एक्सपेंसेस का बढ़ना अदर इनकम का घटना यानी नेट प्रॉफिट का घटना 1314 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 1703 करोड़ था एंड मार्च क्वार्टर में 1775 करोड़। सो सेल्स उतने ज्यादा गिरे नहीं है बट मार्च में सेल्स थोड़ा ज्यादा था 14,406 करोड़, बट कंपेयरिंग टू ऑल दिस पर्टिकुलर प्रीवियस क्वार्टर 12,000 इज नॉट अ बैड सेल्स फिगर, बट एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण रिजल्ट थोड़े खराब हो चुके हैं, यानी मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था उससे रिजल्ट खराब है। बट अल्ट्राटेक इज द किंग ऑफ द सीमेंट सेक्टर एंड अगर अल्ट्राटेक में करेक्शन आता है तो सारे सीमेंट सेक्टर में करेक्शन आएगा, अगर अल्ट्राटेक बढ़ता है तो सारे सीमेंट स्टॉक भी बढ़ेंगे। आई एम वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन हो सकता है फिर कंसोलिडेशन मोड पे आ सकता है, बट लॉन्गर टर्म के लिए अगर आपको सीमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अल्ट्राटेक इज माई नंबर वन पिक, एसीसी इज माई नंबर टू पिक। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स के पास जो स्टेक है वो 59.96%, FI के पास 16.48, DI के पास 14.51 एंड पब्लिक होल्डिंग 8.91। हालांकि अल्ट्राटेक एक ऐसा स्टॉक है जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है टू दर इन्वेस्टर एंड द ट्रेडर्स बोथ, बट इसमें पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम है कंपेयरिंग टू DII एंड FI। अगर 10 के ऊपर का पब्लिक होल्डिंग है यानी 10% के ऊपर का पब्लिक होल्डिंग होता तो उसे मैं अच्छा कंसिडर कह सकता था, बट फिर भी इट्स अ गुड स्टॉक। अगर आप एक इन्वेस्टर हो आप लॉन्गर टर्म के लिए किसी भी प्राइस में स्टॉक में एंट्री कर सकते हो, मिनिमम 5 साल का होराइजन आपको रखना पड़ेगा। यह था अल्ट्राटेक को लेकर मेरा एक एनालिसिस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।